बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी की रैली में जमकर बवाल हुआ। रैली में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें करीब 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। रैली के रूट को डायवर्ट करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। इसी बीच पुलिस के वाहन के सामने ब्लास्ट भी हुआ। हालांकि ये ब्लास्ट कैसे हुआ यह साफ नहीं हो सका है। प्रीतम लोधी ओबीसी समाज के साथ रैली की शक्ल में जिला प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। गुरुवार की शाम को प्रीतम लोधी ने भिंड में लोधी राजपूत समाज के बैनर तले एक रैली निकाली। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद उनके समर्थक सिटी के 20 से रैली निकालना चाहते थे, जिस पर पुलिस जवानों ने रोका। इसी बात को लेकर रैली में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस समय पुलिस की एक कार के सामने ब्लास्ट भी हुआ। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी कमलेश कुमार ने बताया कि बिना परमिशन के प्रीतम लोधी की मौजूदगी में रैली निकाली गई है। समर्थकों द्वारा पथराव किए जाने से कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस जवानों पर पथराव करने वालों की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस की कार के सामने ब्लास्ट होने के मामले में जांच चल रही है। प्रीतम लोधी पूर्व सीएम उमा भारती के रिश्तेदार और पूर्व बीजेपी नेता हैं। हाल ही में उनका ब्राह्मण विरोधी बयान सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश संगठन ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अगर हमें ये 10-15 दिन में ये मांगे पूरी नहीं भाई, तो अगला कदम हमारा विधानसभा घेरेंगे भोपाल में जाके। प्रीतम लोधी के द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो कि इसकी अनुमति नहीं थी, फिर भी उनके द्वारा ज्ञापन के लिए काफी कुछ लोगों को लेकर आए थे।